Hello dear students, welcome again in accountancy class. Let's start our today's class with special purpose subsidiary books. This topic we have already started in last video. In last video I told about beta what is the meaning of subsidiary books. Subsidiary books ka matlab kya hota hai beta aapka? Subsidiary books means hota hai helping books. इन जर्नल वी लर्न अबाउट दैट हम क्या करते हैं मोस्टली जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड विद इन टू फॉर्म्स कैश एंड क्रेडिट यानी जितनी भी ट्रांजेक्शन है चाहे वो सेल की है चाहे वो परचेज की है चाहे इनकम की है चाहे एक्सपेंसेस की है ऑल ट्रांजेक्शन मेनली कैटेगराइज इन टू टू फॉर्म्स क्रेडिट एंड कैश तो जो इन जर्नल को बेटा इन सिस्टमैटिकली मैनर में डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स में हम डिवाइड करते हैं तो उसमें हम इनके टाइप्स पढ़ते हैं जैसे फर्स्ट जो बुक हमने पढ़ी बेटा वो कौन सी पढ़ी कैश बुक यानी जर्नल की जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन थी चाहे वो पे कर रहे थे चाहे आप रिसीव कर रहे थे यू हैव रिकॉर्डेड इन कैश बुक यानी ऑल ट्रांजेक्शन विच इज़ रिलेटेड टू कैश यानी कैश पेमेंट और कैश रिसिप्ट्स वी विल रिकॉर्ड इन कैश बुक एंड अदर ट्रांजेक्शन विच वन लेफ्ट क्रेडिट ट्रांजेक्शन यानी हमने कैश ट्रांजेक्शन को तो रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में दूसरी कौन सी बच गई बेटा हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब है व्हेन यू परचेज ऑन क्रेडिट व्हेन यू सोल्ड ऑन क्रेडिट आपके व्हेन यू रिसीव सम फ्रॉम क्रेडिटर्स ये जो आपकी क्रेडिट्स ट्रांजेक्शन हैं बेटा आपकी ये कहाँ रिकॉर्ड करेंगे इन सब्सिडरी बुक्स किसमें परचेज बुक सेल बुक परचेज रिटर्न बुक सेल रिटर्न बुक तो इट मीन्स क्या है यहाँ पर ये सब्सिडरी बुक्स इस चैप्टर में आपकी फोर मेन सब्सिडरी बुक्स हैं कौन सी परचेज बुक सेल बुक परचेज रिटर्न बुक सेल्स रिटर्न बुक इन ऑल बुक्स वी विल रिकॉर्ड द क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है ऑल परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट यानी जो भी गुड्स यहाँ पर क्या है हमने बार बार डिस्कस किया गुड्स का मतलब है इन विच यू डील इन रेगुलर आप डील करते हो रेगुलर में इफ़ यू आर डीलिंग इन क्लोथ मार्केट यानी क्लोथ प्रोडक्ट्स देन क्लोथ इज ए गुड्स इफ़ यू आर डीलिंग किस में कर आपके शूज़ में द शूज़ आपके जो है दैट इज़ इन गुड्स तो जो आप क्रेडिट गुड्स परचेज करेंगे तो रिकॉर्ड इन परचेज बुक व्हेन यू सोल्ड ऑन क्रेडिट सोल्ड को सोल्ड ऑफ गुड्स वी विल रिकॉर्ड इन सेल बुक और अगर जो आपने परचेज किया है उसमें से कुछ रिटर्न आ जाएगा तो वी रिकॉर्ड इन परचेज रिटर्न आपने जो सेल की है बेटा उसमें से जब कुछ रिटर्न होता है वी विल रिकॉर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक इसमें सिर्फ दो चीज़ों की ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है बेटा कौन सी चीज़ें हम इन चारों बुक्स में क्या रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्या रिकॉर्ड नहीं करेंगे Not recorded क्या क्या एक तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे कोई भी कैश ट्रांजेक्शन क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन कैश बुक दूसरा क्या रिकॉर्ड नहीं करेंगे बेटा परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स की बजाय क्या बेटा एसेट्स अगर सेल और परचेज एसेट्स की करते हो देन वी विल नॉट रिकॉर्ड इन दीज बुक्स वी विल रिकॉर्ड ओनली गुड्स ट्रांजेक्शन गुड्स का मतलब जो डेली रूटीन के खर्चे और इनकम है वी विल रिकॉर्ड नॉट एसेट्स अगर आप मेरा अगर क्लोथ मार्केट का क्लोथ का बिजनेस है बेटा तो मैं उस टाइम पर कोई एसी, फर्नीचर या कुछ एक्स्ट्रा कुछ लेती कंप्यूटर परचेज करती हूँ दैट इज़ द एसेट फॉर्म तो उस टाइम इनको रिकॉर्ड चाहे मैं क्रेडिट में ही क्यों ना खरीद रही हूँ हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे वी विल रिकॉर्ड ओनली रिलेटेड टू द गुड्स ट्रांजेक्शंस ये तो आपका कॉन्सेप्ट है ये इसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है टुडेज वी विल डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ ऑल फोर बुक्स मैंने ये आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल के साथ ये करवा दिया है बेटा क्या फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक में हमने फॉर्मेट में क्या किया ये कौन सा कॉलम था बेटा डेट सेकेंड कॉलम किस चीज़ का था बेटा पर्टिकुलर में मैंने किसका नाम बताया था नेम ऑफ सप्लायर नेम ऑफ सप्लायर यहाँ आप रिकॉर्ड कर सकते हैं बेटा वाउचर नंबर या फिर इनवॉइस नंबर का एक कॉलम बना सकते हैं देन नेक्स्ट कॉलम किस चीज़ का बेटा डिटेल यानी
अमाउंट कितना है, कितना ट्रेड डिस्काउंट हुआ, कितना टैक्स लगा। देन बेटा परचेज कॉलम, कितने की एक्चुअली परचेज हुई है, कितना टैक्स लगा है, टैक्स कौन सा, सीजीएसटी है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी है तो बेटा एसजीएसटी, और ये दोनों नहीं होंगे तो किसका कॉलम बन जाएगा, आईजीएसटी का। अगर आप इंटर स्टेट कर रहे हैं यानी दूसरे स्टेट्स में भी बिजनेस करते हो तो आईजीएसटी कॉलम बनेगा। देन बेटा लास्ट में टोटल, ये कॉलम थे हमने किस में डिस्कस किए थे, परचेज बुक में। सेम जो आपके कॉलम है बेटा हमारे किस में बेटा, आपके फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न, क्या क्या डेट, यहाँ भी पर्टिकुलर में क्या आएगा बेटा, नेम ऑफ सप्लायर और इनवॉइस नंबर या फिर वाउचर नंबर, यहाँ डिटेल। देन बेटा परचेज रिटर्न कितने की हुई है, सीजीएसटी एसजीएसटी, अगर इंटरेस्ट रेट है तो आईजीएसटी, एंड लास्ट वन बेटा टोटल, सेम कॉलम है, मैं आपको इसके डिफरेंस भी बताऊंगी बेटा आपकी। ये जो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कॉलम है बेटा, दिस इज कॉल्ड इनपुट सीजीएसटी, दोनों में ही यहाँ कौन सा वर्ड है, इनपुट, क्योंकि परचेज पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा, इनपुट, ठीक है। लेकिन यहाँ इस साइड देखते हैं बेटा किस चीज़ की, सेल बुक के अंदर क्या डिफरेंस है, सेल बुक में जो आप टैक्स लगेगा कौन सा लगेगा बेटा, आउटपुट, ध्यान रखना क्या वर्ड यूज करेंगे, आउटपुट। इसमें कॉलम में क्या लिखेंगे, सेम डेट, यहाँ परचेज बुक लिखिए, यहाँ सेल बुक, फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस, यहाँ पर्टिकुलर में बेटा नेम ऑफ सप्लायर आएगा, यहाँ आएगा नेम ऑफ कस्टमर, क्योंकि यहाँ सेल कर रहे हो तो उस कस्टमर का नाम जिसको आपने उधार में सामान बेचा है। देन बेटा इनवॉइस नंबर और वाउचर नंबर, यहाँ डिटेल। देन सेल अमाउंट, यहाँ परचेज अमाउंट था, यहाँ सेल अमाउंट। अब यहाँ जो वर्ड आएगा बेटा आउटपुट, सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी एंड टोटल, अगर इंटरेस्ट रेट है तो बेटा आईजीएसटी। देन सेम बेटा सेल रिटर्न का कॉलम में क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे मैंने आपको सेल बुक का बनाया है सेम कॉलम इसका बनेगा बेटा, डेट, पर्टिकुलर में क्या नाम आएगा, नेम ऑफ कस्टमर, इनवॉइस या वाउचर नंबर, डिटेल। देन बेटा सेल रिटर्न अमाउंट, सीजीएसटी एसजीएसटी, कौन सा सीजीएसटी, आउटपुट एंड टोटल, ये आपका हो जाएंगे कॉलम ऑफ, यानी ये मैंने आपको बताया बेटा फॉर्मेट। अब फॉर एक एक सिंगल सिंगल एंट्री के थ्रू हम इसको कंप्लीट करेंगे कि इसमें लिखते कैसे हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल है, मैंने आपको फर्स्ट रिलेस्टेशन के अंदर कहा था, फॉर एग्जांपल जो परचेज हमारा जो है बेटा किस चीज़ का, एक इलेक्ट्रिक शॉप का काम है, इलेक्ट्रिक वेयर में आप डील करते हैं, तो आपका यहाँ क्या लिखेंगे बेटा आप इसमें, सबसे पहले डेट, आज अगर मान बात करें फर्स्ट सितंबर, क्या हो जाएगा बेटा फर्स्ट सितंबर, तो हम क्या लिखेंगे फर्स्ट सितंबर में, मान लीजिए यहाँ क्या लिखेंगे बेटा कंपनी का नाम, मान लो सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर, इससे आप उधार में परचेज करते हो, तो मैंने उसका नाम लिख दिया, क्या परचेज की है मैंने, 50 ट्यूबलाइट एट द रेट 1000, 50 ट्यूबलाइट बॉक्सेस लिए बेटा 1000 ईच बॉक्स, तो आपने कितने की परचेज, यहाँ अगर इनवॉइस नंबर गिवन है तो लिख दीजिए, नहीं तो बेटा ये कॉलम खाली रहेगा। 50 ट्यूबलाइट 1000 ईच ऑफ बॉक्स, ट्यूबलाइट बॉक्सेस हैं बेटा आपके 1000 ईच है, इट मीन्स मेरी कितने की परचेज हुई है 50,000 रुपीस। मैंने क्या लिया बेटा 100 आयन ली हैं, यानी आपकी जो हम प्रेस करने के लिए आयन खरीदी है बेटा 100 आयन एट द रेट 500 ईच या फिर 300 ईच, तो कितने की अपने आयन ले ली बेटा 30,000। टोटल मैंने कितने की सेल कर ली 80,000 रुपीज़। क्वेश्चन के अंदर लिखा है इसने हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया 10% माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, कितना आ जाएगा 8,000, तो मेरी कितने की होगी बेटा 72।
और क्या करेंगे इसमें से, अगर CGST है सभी पे 6% है बेटा, CGST प्लस SGST, अगर इस पे अगर 6% है कितना आ जाएगा 6% बेटा आपका 4320, 4320। ये है कैलकुलेशन जो डिटेल में की जाती है। और इसको अलग अलग कैसे लिखेंगे, परचेज में 72,000, 4320, 4320। इसका मतलब है कि जो टोटल है बेटा 80,640 यहाँ आ जाएगा। समझ में आ नहीं है, दिस इज कॉल्ड परचेज बुक। ये मैंने एक की ट्रांजेक्शन करी है, अगर सूर्या के अलावा किसी और कंपनी से, राधिका वगैरह कंपनी से लेते हो तो मैंने यहाँ लिख दिया वैसे, और उसके बाद लास्ट में इसको टोटल कर देंगे, कुछ भी नहीं करना। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। अब इसी का मैं अपोजिट करके आपको दिखा रही हूँ बेटा किस चीज़ का, परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न में क्या करना है बेटा आपको, अगर मान लो जो आपने सूर्या लिमिटेड से खरीदा है बेटा, इसकी कुछ चीज़ें जो आपको डिफेक्ट लगी, जिसमें प्रॉब्लम थी, उसको आपने वापस भी कर सकते हो, ये क्रेडिट परचेज है। अब क्रेडिट परचेज के टाइम पर जब आप परचेज रिटर्न करोगे बेटा, परचेज रिटर्न करते हो तो हमारा इस बुक के साथ साथ में जब उसे क्या बनाया जाता है बेटा, क्रेडिट आपका ये डेबिट नोट, यानी एक नोट साथ में भेजते हो पर दोनों पार्टीज़ का नाम, कितना सामान आपने वापस भेजा है, रीज़न के साथ में पर्टिकुलर रीज़न, इतनी क्वांटिटी, वो डेबिट नोट है। इसको हम डिटेल में डॉक्यूमेंट वाले टॉपिक में करेंगे। डन बेटा, इसका परचेज रिटर्न कैसे लिखेंगे, इसी कंपनी को आपने सामान वापस किया है, किसको, एक को मंगवाया था, जब तीन को जब आपने ओपन किया बेटा तो आप सेम वैसे ही सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर, क्या 50 ट्यूबलाइट बॉक्सेस मंगवाए थे उसमें से 10 सही नहीं निकले तो आपने 10 बॉक्सेस वापस कर दिए, एक कितने का था 1000 का बेटा, डिटेल में क्या आ जाएगा 10,000 रुपीज़। सेम बेटा 100 आयन मंगवाई थी उसमें से बेटा आपकी 5 आयन अच्छी नहीं थी, तो 5 आयन जो थी उसमें से एक कितने की थी 300 की थी, तो 1500 की आपने सामान वापस कर दिया, टोटल कितने का सामान वापस हो गया 11,500। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अगर डिस्काउंट पे खरीदा था तो रिटर्न भी उतना डिस्काउंट पे होगा, सेम वैसे ही बेटा क्या लगाएंगे, ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है 10%, 1150 इसमें से लेस हो जाएगा बेटा 5,300, और आपका कितना आ जाएगा बेटा आपका 10,350 रुपीज़, क्या भैया आपके कितना आ जाएगा 10,350 रुपीज़। ये आपका ट्रेड, अब इस पर आप टैक्स भी लगाए, जैसे टैक्स आपने पे, अगर जब आपने खरीदा तो टैक्स पे किया था, अब आपको टैक्स रिवर्स चार्ज है, यानी रिवर्स चार्ज करोगे, ये एक्स्ट्रा टैक्स दे दिया तो मैंने सामान जब मेरा कम का है तो टैक्स आपका, ये इसे क्या बोलते बेटा रिवर्स टैक्स, आपने टैक्स भी वापस मांगोगे, कितने का बेटा CGST SGST इसका बेटा कितना 6%, यानी हमारा कितना आ जाएगा 10,350 × 6/100 21 बेटा 621 ये टैक्स हो गया आपका, टोटल कितना हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे परचेज रिटर्न कितने की हुई है 10,350, टैक्स कितने का है 621, टोटल 11,592। इसको यहाँ पे भी आप टोटल में भी कर सकते हैं। ये है हमारे परचेज बुक, परचेज बुक जिससे आपने ख़रीदा था इसे अगर वापस करोगे सेम मैनर में आप परचेज रिटर्न बुक बनाएंगे। परचेज रिटर्न बुक के साथ साथ में आप डेबिट नोट भी उसको भेजते हो कि आप ये सामान वापस क्यों करते हो, उसका रीज़न, क्वांटिटी, सारी डिटेल लिख के सिग्नेचर के साथ में। एक ओरिजिनल जो कॉपी होती है वो सप्लायर के पास भेज देते हैं, एक फ़ोटो कॉपी जो है हम अपने पास रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेबिट नोट। अब इसके बाद हम आते हैं बेटा सेल्स बुक के बाद। सेल्स बुक और परचेज बुक में डिफरेंस क्या बताया बेटा मैंने, ऊपर क्या आएगा सेल बुक, यहाँ नेम ऑफ सप्लायर आएगा, यहाँ क्या आएगा नेम ऑफ कस्टमर, यहाँ इनपुट IGST SGST और CGST आएगा, यहाँ आएगा बेटा आउटपुट CGST और SGST। दिस इज़ ओनली डिफरेंस, इसके अलावा और कोई भी डिफरेंस नहीं है। नाउ हाउ टू एंटर द बुक्स, देखिए अगर मैं ये सामान जो मैंने खरीदा है आगे सेल करने के लिए खरीदा है तो मैं किसी को बेचती हूँ, मान लो एग्जाम्पल के लिए बेटा किसी राधिका लिमिटेड है कोई, मैंने इस आ गया मेरे पास सामान 7 डेट को, मैंने राधिका स्टोर को सेल किया उधार में, जैसे आप खरीदते हो तो सेल भी तो करते हो क्रेडिट में, तो कितना सेल किया बेटा उसने मेरे से, कितना लिया
आपको 20 ट्यूबलाइट बॉक्सेस खरीदे उसने एट द रेट, आपने 1000 का खरीदा तो मे बी आप आगे प्रॉफिट में बेच सकते हो बेटा। तो आपने जो सेल की कितने की बेटा आपकी 1200 पर बॉक्स, तो कितना हो गया बेटा 24,000। इसके बाद ट्यूबलाइट कितने, आयन कितनी कर ली बेटा आपने, आप देखिए आपने आयन, क्योंकि हमारे पास 100 में से 5 आयन वापस गए तो 95 था, आगे सेल तो करोगे ही, तो आपने बेटा आयन कैसे सेल की, 15 आयन सेल कर दी एट द रेट 400 रुपीज़, तो 6,000 रुपीज़ की आयन टोटल कितने की सेल की आपने, 30,000 रुपीज़। सबसे पहले क्या माइनस करेंगे इसमें से, टैक्स ट्रेड डिस्काउंट देना, आप दे भी सकते नहीं भी दे सकते ऐसा कोई वो ही नहीं, तो इसका मतलब है अगर मैं टैक्स इसे 10% माइनस करती हूँ बेटा तो माइनस कितना हो जाएगा 3,000 रुपीज़ 27। अब इस पर टैक्स चार्ज होगा अगर 6% आपका, तभी अब भी 6% ही रहेगा, लेकिन 6% किस पे बेटा 1620 1620। सेम वैसे ही यहाँ लिखेंगे 27,000 सेल के अंदर, यहाँ लिखेंगे 1620, यहाँ लिखेंगे 1620। समझ में आ गया। अब इसमें इसमें कितना आ जाएगा बेटा 24092, ये हमारा टोटल हो गया, ये आपका बेटा टोटल। और आप इसको टोटल भी, अगर एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो तो आप इनको यहाँ पे टोटल भी कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड टोटल सेल। यहाँ लिखेंगे टोटल परचेज, यहाँ लिखेंगे टोटल परचेज रिटर्न। अब यहाँ मैं एग्जांपल किसका ले रही हूँ, जिस राधिका स्टोर को आपने सेल किया बेटा, जैसे हम वापस दे सकते हैं तो ये भी तो हमें वापस सेल कर सकती है, तो वापस जो कर भेजेगी बेटा उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसको सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न जब आप जाती है बेटा आपकी, आपके पास आती है तो कौन सा नोट आपका पास आएगा बेटा, क्रेडिट नोट, जिसमें क्वांटिटी रीज़न और पार्टीज़ के नेम गिवन होते हैं कि आप क्यों वापस आया है, किस वजह से आया, कितनी क्वांटिटी वापस आई है, उस टाइम पर जो ड्रॉ किया जाता है क्रेडिट नोट, परचेज रिटर्न के टाइम पर जो ड्रॉ किया जाता है डेबिट नोट। ठीक है, आप हमें सेल रिटर्न में कैसे, बिल्कुल सेम वैसे ही बेटा आपका डेट में डेट किस डेट को वापस आया है, क्या सामान यानी किसने दिया है, किस पार्टी का नाम, जिसको सेल किया वही रिटर्न करेगा। ठीक है, क्या 20 ट्यूबलाइट्स में, तो उसमें हो सकता है एक ट्यूबलाइट जो आपका बॉक्स था आपके पास वापस आ गया तो 1200 रुपीज़। इसमें से बेटा आयन 15 बेची तो उसमें से 2 आपकी वापस आ गई एट द रेट 400, 800 रुपये बेटा। यहाँ क्या लिखेंगे 2000 रुपये माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10% है 200 रुपीज़, 800 रुपीज़, 1800 रुपीज़ बेटा, प्लस टैक्स SGST कितना परसेंट है बेटा 6 है, 6% टैक्स है बेटा 108 108, ये लिखेंगे कैसे 1800 यहाँ पर 108 108, और जो टोटल है बेटा वो यहाँ आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड पर सेल्स रिटर्न। यहाँ पे क्या लिखेंगे टोटल सेल्स रिटर्न जो आप यहाँ करते हैं, एक बार दोबारा देख लीजिए, मैंने चारों फॉर्मेट आपको बता दिए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में क्या डिफरेंस है आपका, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में डिफरेंस है बेटा आपका ऊपर परचेज बुक लिखी है, यहाँ सेल्स बुक लिखी है, यहाँ नेम ऑफ सप्लायर, यहाँ नेम ऑफ कस्टमर, यहाँ इनपुट IGST और SGST और CGST, यहाँ यूज़ करेंगे आउटपुट, यहाँ टोटल से परचेज, यहाँ टोटल सेल, जिसको जिससे परचेज किया आप उसे परचेज रिटर्न भी कर सकते हैं अगर सामान में आपको प्रॉब्लम लगती है तो परचेज रिटर्न बुक क्रिएट हो जाएगी। व्हेन यू परचेज रिटर्न करते हो बेटा तो कौन सा नोट साथ में जाता है आपका, डेबिट नोट, जिसमें आपकी क्वांटिटी रीजन और आपका दोनों पार्टीज़ के नेम और जो ड्यू है अमाउंट वो लिखा होता है। देन फॉर्मेट क्या है, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, डोंट कम विद यानी बुक्स के रिलेटेड कुछ नहीं है, दिस इज ओनली थ्योरेटिकल पार्ट। फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न बुक में क्या है बेटा आपका, जिस कंपनी से आपने सामान खरीदा था उसे अगर डिफेक्टिव से वापस करना है तो कंपनी का नाम, कितना आपने सामान दिया है, अगर खरीदा ट्रेड डिस्काउंट और टैक्स के साथ है तो रिटर्न भी टैक्स और डिस्काउंट के साथ करोगे। सेम वे बेटा सेल्स बुक है, सेम सेल रिटर्न बुक बनेगी, नेम ऑफ सब कस्टमर, डिटेल, सेल्स रिटर्न, टैक्स
एंड टोटल, दीज आर कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स। जो चीज़ आपकी इन दोनों में से, यानी कैश बुक में भी रिकॉर्ड नहीं हुई, आपकी सब्सिडरी बुक्स में भी रिकॉर्ड नहीं हुई, तो बेटा आपकी लास्ट जो आपका जो बैलेंसेस बच जाते हैं, जहाँ आप कहाँ एंट्री करोगे, दैट इज जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर का मतलब जो उसकी जर्नल एंट्रीज होंगी, जो ना तो कैश बुक में एंट्री, ना परचेज, ना सेल। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आउटस्टैंडिंग की एंट्री है, आउटस्टैंडिंग की एंट्री है, प्रीपेड की एंट्री है, तो इस तरीके की ना तो कैश बुक में एंट्री हो रही बेटा आपकी, ना ही आपकी क्रेडिट में एंट्री हुई। तो इस टाइप की जो एंट्री है, जो ना तो कैश बुक अफेक्ट कर रही है, ना ही आपकी सब्सिडरी बुक्स को, वो एंट्री कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बेटा आप? जैसे एसेट परचेज कर रहे हो ऑन क्रेडिट है, तो वो भी कहीं एंट्री नहीं हुई, कहाँ करेंगे? जर्नल प्रॉपर में, यानी उसकी जर्नल एंट्री करके रखेंगे। दीज आर कॉल्ड बेटा सब्सिडरी बुक्स।